जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल एसी साइंस जोन में। तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं मोशन, ठीक है। मोशन इसके अंतर्गत हम लोग देखने वाले हैं इंट्रोडक्शन ऑफ मोशन, रेफरेंस पॉइंट्स, मोशन इन स्ट्रेट लाइंस और डिस्क्रिप्शन ऑफ मोशन, जिसके अंतर्गत रेस्ट और कौन सा मोशन देखेंगे, उसके बाद डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, ये सब हम लोग देखने वाले हैं और बाकी जो है आपका पार्ट टू में देखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं आपका कौन सा इंट्रोडक्शन। तो इंट्रोडक्शन के बारे में बताने से पहले, मोशन के इंट्रोडक्शन के बारे में बताने से पहले, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और अंत में बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि जब भी हम लोग नए वीडियो डालें तब वो आप तक से पहुंच जाए, ठीक है। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं मोशन के बारे में। तो मोशन के बारे में बहुत चीज़ आप लोग देखे होंगे अपनी डेली लाइफ में, हम लोग चलते रहते हैं अचानक से कहाँ पे, रोड पे जैसा चल रहे हैं, ठीक है, और उसमें किसमें कोई व्यक्ति क्या है, इसमें बस में बैठा है, ठीक है। अब बस में जो बैठा व्यक्ति है वो क्या करते हैं, हमको जब देखता है, ठीक है, तो उनको लगता है कि हम मोशन पे हैं, मतलब चल रहे हैं, है ना, गतिमान है। लेकिन जो खुद जो बैठे हैं उनको लगता है कि हम लोग गतिमान नहीं हैं, ठीक है। कहाँ से, जैसे मैं क्या करूँ, सपोज यहाँ से मैं बस चल रहा हूँ, ठीक है, यहाँ पे कोई बस में कोई बैठा है, ठीक है, और यहाँ पे कोई व्यक्ति इस रोड के किनारे पे खड़ा है, तो उनको ये लगेगा यहाँ से जो बस जो चल रहा है, हालांकि वो क्या आपका मोशन में है आपका बस, लेकिन इसमें जो बैठे जो व्यक्ति हैं, दो व्यक्ति जब बैठे हैं तो वो क्या होते हैं, उनको ऐसा लगता है कि हम लोग एक जगह स्थिर हैं, रेस्ट में है ना, है ना, और ये जो क्या आपका मोशन पे है, ऐसा लगता है, नहीं लगता है, लगता है। तो उसी तरीके से इस मोशन को डिस्क्राइब करने के लिए बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स का जरूरत होता है जो इसमें बोला गया है, ठीक है। जैसे हम लोग देख सकते हैं एक लोकेशन, सपोज इसका लोकेशन क्या है, जब दोनों एक साथ में है तो क्या है आपका रेस्ट पीरियड में उनको नजर आ रहा है, लेकिन बाकी जो इसका जो ये जो दिख रहा है आपका क्या आपका मोशन में तो है, है ना। तो बोल सकते हैं कि किसी भी जगह पे एक मतलब मोशन पे है या फिर रेस्ट में, ऐसा देखने के लिए क्या चाहिए, एक प्रकार का रेफरेंस पॉइंट चाहिए हमको, ठीक है, रेफरेंस पॉइंट, जहाँ से हम लोग क्या कर सके, लोकेट कर सके, हाँ कि यह ये वाला गली है, सपोज कहाँ से, जैसे मैं यहाँ से देख रहा हूँ, ठीक है, तो हमको लग रहा है कि यहाँ से जब मैं देखूंगा तो क्या लगेगा कि आपका मोशन पे है, लेकिन जब मैं यहीं बस के अंदर से बैठ के देखूंगा तो उनको लगेगा कि ये मोशन में, ऐसा लगेगा, है ना। तो एक प्रकार के क्या चाहिए हमको, रेफरेंस पॉइंट चाहिए, ठीक है। तो उसी प्रकार से देख सकते हैं कि बहुत सारे चीज़ है जो कि आपका मोशन पे प्रेजेंट रहता है और कुछ कुछ रेस्ट में प्रेजेंट रहता है, नज़रिया इतने हैं कि कहाँ पे उनका पोजीशन क्या है। जैसे मैं यहाँ पे ब्लैक बोर्ड के सामने खड़ा हूँ, अब हो सकता है कि मैं इधर लेफ्ट साइड चला गया, राइट साइड चला गया, मतलब अपना पोजीशन क्या कर रहा हूँ, चेंज कर रहा हूँ, ठीक है, चेंज कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा हूँ, कर रहा हूँ, लेकिन कहाँ पे, एक लोकेशन के थ्रू। जैसे मैं इसको क्या मान लेता हूँ, ये मेरा आपका क्या सपोज लोकेशन है, अभी इससे क्या करूँगा, इधर जाऊँगा, किधर, राइट साइड जा रहा हूँ और इधर से लेफ्ट साइड जा रहा हूँ, तो बोल सकते हैं हाँ कि मैं इधर राइट साइड से जा रहा हूँ तो मोशन पे हूँ, अगर यहाँ पे चुपचाप खड़ा हूँ मतलब रेस्ट पीरियड में हूँ, बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते, बोल सकते हैं। तो इसी तरीके से बोल सकते हैं कि किसी भी चीज़ जो है आप मोशन पे है या रेस्ट में है, उसके लिए क्या चाहिए, एक रेफरेंस पॉइंट या फिर क्या चाहिए, लोकेशन चाहिए, जिसके थ्रू जो व्यक्ति जहाँ से ऑब्जर्व कर रहा है, जैसे मैं यहाँ से ऑब्जर्व कर रहा हूँ कि अभी मैं सेंटर में हूँ, अब हो सकता है कि मैं इधर थोड़ा सा जा रहा हूँ, इधर जा रहा हूँ और इधर जा रहा हूँ, जा रहा हूँ नहीं जा रहा हूँ, जा रहा हूँ, तो ऑब्जर्वेशन कहाँ से हो रहा है उस पर डिपेंड करता है, ठीक है, कि व्यक्ति मोशन पे है या नहीं है। तो चलिए फिर इसके बाद देखते हैं कौन सा रेफरेंस पॉइंट देखते हैं, इसमें रेफरेंस पॉइंट होता क्या है उसके बारे में हम लोग देखते हैं, ठीक है। तो देख सकते हैं इसमें रेफरेंस पॉइंट में, तो रेफरेंस पॉइंट में बोला गया है एनी पोजिशन कैन बी कंसिडर्ड एज एन ऑब्जर्वेशन पॉइंट, है ना, एंड इट्स कॉल्ड एज अ रेफरेंस पॉइंट, ठीक है, मतलब कोई भी जो पोजीशन हो जहाँ से कंसर्ड, मतलब हम उसको मान लेते हैं कि ये पोजीशन है करके, है ना, वहाँ से ऑब्जर्व करते हैं। जैसे हमारे पास बोला गया है एनी पोजीशन कैन बी कंसर्ड एज एन ऑब्जर्वेशन पॉइंट एंड इट्स कॉल्ड एज अ रेफरेंस पॉइंट, मतलब जहाँ से कोई भी जो व्यक्ति है, सपोज यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, ये मेरा घर है, ठीक है, ये मेरा घर है, यहाँ पे क्या कर सकते हैं, इसको एक रेफरेंस पॉइंट मान लेते हैं, ठीक है, जहाँ से कोई व्यक्ति इसको ऑब्जर्व कर रहा है, तो अब इसको बोलेंगे मेरे घर से किधर जाओगे, लेफ्ट पे जाओगे, ठीक है, लेफ्ट पे जाओगे फिर राइट जाओगे तो वहाँ पे श्याम का घर मिल जाएगा, ठीक है। ये मतलब बोल सकते हैं कि लोकेशन है, ठीक है, लोकेशन बोल सकते हैं, नहीं बोल सकते हैं, बोल सकते हैं। अब उसी तरीके से अगर मुझे कहीं पर जाना है, सपोज मुझे यहाँ से कहाँ जाना है, स्कूल के लिए तरफ जाना है, मतलब मेरे घर से राइट तरफ जाएंगे तो क्या पड़ेगा आपका, स्कूल मिलेगा, क्या मिलेगा आपका, स्कूल मिलेगा, ठीक है। इस तरीके से बोल सकते हैं ऐसा पोजीशन जहाँ से किसी भी चीज़ को लोकेट करता है, हाँ
कि ये जैसे मैं यहाँ सामने खड़ा हूँ, ये बोर्ड दिख रहा है, इसमें मैं राइट जाऊँगा, इधर राइट जा रहा हूँ और ये आपका लेफ्ट जा रहा हूँ, मतलब एक लोकेशन है जिसमें से मैं क्या कर रहा हूँ, राइट जाऊँगा तो उनका घर मिलेगा, लेफ्ट जाऊँगा तो यहाँ से मिलेगा, मतलब इसको बोल सकते हैं रिफरेंस पॉइंट, जहाँ से क्या करते हैं, मान लेते हैं हम लोग कि आपका कोई भी जगह है, जैसे कोई स्कूल है, अपना स्कूल है, तो स्कूल को मान लेते हैं आपका रेफरेंस पॉइंट। अब स्कूल से आप लेफ्ट जा रहे हो, राइट जा रहे हो, फिर सीधा जा रहे हो, है ना, इधर जाओगे तो ट्रैफिक पड़ सकता है, इधर जाओगे तो क्या और दूसरे स्कूल पड़ सकता है ना। तो इस तरीके से हम लोग क्या मान लेते हैं, एक रेफरेंस पॉइंट मान लेते हैं जहाँ से कोई भी चीज़ ऑब्जर्व किया जाता है ना। जहाँ से मैं ऑब्जर्वेशन कर रहा हूँ यहाँ से, तो क्या होगा, तब जहाँ से क्या कर सकते हैं, मैं सपोज यहाँ से मैं क्या कर रहा हूँ, ऑब्जर्व कर रहा हूँ, ठीक है, तो यहाँ से वस्तु का पोजीशन या फिर जो ऑब्जेक्ट है उसका पोजीशन क्या है मैं जान सकता हूँ। अगर मैं यहाँ से ऑब्जर्व कर रहा हूँ और सपोज सामने से क्या कर रही है, गाड़ी यहाँ से जा रही है, ठीक है, ऐसे, ठीक है, यहाँ से गाड़ी जा रही है, वो मोशन में है या नहीं, तो मतलब बोल सकते हैं रेफरेंस पॉइंट, एक रेफरेंस पॉइंट से क्या कर सकते हैं कि अगर ऑब्जेक्ट मोशन पे है या रेस्ट में है उसको हम लोग बता सकते हैं, ठीक है, इस तरीके से। तो ये होता है आपका कौन सा, रेफरेंस पॉइंट। तो रेफरेंस पॉइंट का हम लोग क्या देखने वाले, एग्जांपल, सपोज इसके एग्जांपल क्या है, ठीक है, रेफरेंस पॉइंट का एग्जांपल देखते हैं। जैसे कि आप लोग देखे होंगे रास्ते पे जाते हैं तो वहां पे एक किलोमीटर या फिर उसका लग रहता है, ठीक है, यहां से जाओगे तो आपके यहां पे एक स्टोन लगा रहता है जिसमें लिखा रहता है किलोमीटर, हाँ, यहां से यहां जाओगे तो कितना 10 किलोमीटर है, यहां से कहीं जाओगे तो कितना 20 किलोमीटर है, इस तरीके से इसमें लगा रहता है। या फिर आप लोग देखे होंगे रेफरेंस पॉइंट के लिए, अगर जहाँ पे जाते हैं, जैसे आप लोग दरवाजे पे जाते हैं कहीं पे, कहीं जा रहे हैं, या फिर रायपुर, बिहार, राजस्थान, गुजरात, मुंबई, दिल्ली जाते हैं, तो वहाँ पे लिखा रहता है कि इधर आप जाओगे तो आपका दिल्ली पड़ेगा, इधर जाओगे तो आपका क्या पड़ेगा, राजस्थान पड़ेगा या गुजरात पड़ेगा, इस तरीके से क्या करते हैं, इसमें से लोकेट करते हैं, मतलब ऐसा ऑब्जर्वेशन पॉइंट जहाँ से क्या किया जाता है, इसको लोकेट किया जाता है कि आप यहाँ से जाओगे तो क्या पड़ेगा, रास्ते इधर टर्न मोड़ना पड़ेगा तो दिल्ली जाओगे, यहाँ से जाओगे तो कौन सा, गुजरात जाओगे, ऐसा, इस तरीके से। तो ये हो गया आपको कौन सा, रेफरेंस पॉइंट का एग्जाम्पल। अब और इसी तरीके से हम बोल सकते हैं लोकेशन ऑफ ऑब्जेक्ट, इट्स कॉल्ड इट्स रेफरेंस पॉइंट, मतलब कोई भी जो ऑब्जेक्ट है उसका लोकेशन, जैसे यहाँ पे दिख रहा है आपका लोकेशन, तो वो उसका क्या कहलाएगा, रेफरेंस पॉइंट कहलाएगा। अब इसके बाद देखेंगे हम लोग कौन सा, मोशन इन स्ट्रेट लाइन, ठीक है, मोशन इन स्ट्रेट लाइन में कैसे, सपोज हमारे पास क्या कर रहा है, कोई भी जो ऑब्जेक्ट है बिल्कुल वन लाइनर मोशन कर रहा है, ठीक है, बिल्कुल सीधे लाइन से जा रहा है, जैसे कोई भी जो ऑब्जेक्ट है ऊपर से गिर रहा है, ठीक है, ऐसे, ठीक है, ऐसे गिर रहा है या फिर बिल्कुल सीधे जा रहा है, ठीक है, तो उसको बोलेंगे वन लाइनर मोशन बोलेंगे, ठीक है, मतलब वन लाइनर मोशन या फिर स्ट्रेट लाइन बोल सकते हैं उसको, बिल्कुल सीधे सीधे रेखे में क्या कर रहा है, आपका मोशन कर रहा है, ठीक है, इसी को रेखी गति या फिर स्ट्रेट लाइन बोल सकते हैं, ठीक है, ये होगा आपका वन लाइनर मोशन, है ना। इसके बाद हम लोग देखने वाले कौन सा आपका, मोशन इन स्ट्रेट लाइन, कौन सा, मोशन इन स्ट्रेट लाइन, कैसे मोशन, कैसे स्ट्रेट लाइन पे होता है, जैसे देखो हम लोग सिंपल जब चलते रहते हैं बिल्कुल ऐसे चलते जा रहे हैं, चलते जा रहे हैं, चलते जा रहे हैं, इसमें कोई व्यक्ति है, ठीक है, कोई व्यक्ति यहाँ से चलते जा रहे हैं, चलते जा रहे हैं, तो ये क्या आपका स्ट्रेट लाइन मोशन कहलाएगा, ठीक है, मतलब एक ही डायरेक्शन मतलब जा रहे हैं इसमें से, तो आपका स्ट्रेट लाइन मोशन, ठीक है। फॉर एग्जांपल जैसे मैं यहाँ पे हूँ, यहाँ से हूँ यहाँ पे, बिल्कुल आगे बढ़ते जा रहा हूँ, बिल्कुल आगे बढ़ते जा रहा हूँ, ठीक है, तो यह क्या रहेगा आपका, लाइनर मोशन कहलाएगा, ठीक है, बिल्कुल। या फिर आप लोग देखेंगे कैसे ट्री से क्या होता है, फ्रूट जो होते हैं नीचे की तरफ गिरते हैं, सपोज, ठीक है, गिर रहा है, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन है कि नहीं, हाँ, तो ये आपका स्ट्रेट लाइन मोशन है ना, मोशन ऑफ स्ट्रेट लाइन देख रहे थे हम लोग। तो मोशन ऑफ स्ट्रेट लाइन के साथ साथ आप देखते हैं डिस्क्रिप्शन ऑफ मोशन, इसमें क्या देखने वाले हैं हम लोग, डिस्क्रिप्शन ऑफ मोशन। तो डिस्क्रिप्शन ऑफ मोशन को बताने से पहले ये भी बताना जरूरी है कि जैसे देखो अगर कोई भी जो ऑब्जेक्ट है ना, चेंज इन पोजिशन विथ टाइम, ठीक है, तो क्या रहेगा, मोशन पे है या फिर रेस्ट पे है, किसमें, मोशन पे है या फिर रेस्ट में है, तो इसके लिए क्या जरूरी है आपका, सबसे पहले चेंज इन पोजिशन विथ टाइम, है ना, चेंज इन पोजिशन विथ टाइम, और डज नॉट चेंज इन पोजिशन विथ टाइम, ठीक है। इसमें टू टाइप के दिए, अगर क्या करता है कोई भी जो ऑब्जेक्ट है ना, ऑब्जेक्ट क्या करें अपना पोजीशन चेंज कर रहा है, किसके साथ, विद टाइम, एक टाइम के साथ क्या कर रहा है आपका पोजीशन चेंज कर रहा है, तो वो क्या कहलाएगा आपका मोशन, ठीक है, मोशन में है बोल सकते हैं। अगर कोई ऑब्जेक्ट जो है क्या कर रहा है आपका डज नॉट चेंज इन पोजीशन विद टाइम, मतलब एक टाइम के साथ अपना पोजीशन चेंज नहीं कर रहा है, तो वो क्या चीज़ है आपका,
रेस्ट, क्या है रेस्ट, ठीक है, इस तरीके से तो डिस्क्राइब कर सकते हैं। इसमें जैसे लाइनर मोशन चल रहा है, बोलते हैं कि लाइनर मोशन है, तो अगर कोई भी जो ऑब्जेक्ट है, सपोज ये आपका कोई रेफरेंस पॉइंट है या फिर लोकेशन है, या लोकेशन या फिर पोजीशन है, वहां से अगर क्या करता है आगे की तरफ बढ़ रहा है लगातार, ठीक है, ऐसे आगे की तरफ बढ़ जा रहा है एक टाइम के साथ, सपोज 1 सेकंड 2 सेकंड 3 4 5 है ना, एक टाइम के साथ क्या कर रहा है आगे की तरफ बढ़ रहा है, मतलब अपना पोजीशन को चेंज कर रहा है, तब उसको हम लोग क्या बोलेंगे, मोशन बोलेंगे। लेकिन अगर कोई व्यक्ति यहाँ पे बैठा है, चुपचाप बैठा ही बैठा है यहाँ पे, ठीक है, ना आगे बढ़ रहा है ना पीछे हो रहा है, तो उसको क्या बोलेंगे, इसका डज नॉट चेंज इन पोजिशन विद टाइम, तो बोल सकते हैं इसको क्या आपका रेस्ट। सपोज आप लोग देखेंगे इसका ट्री, ट्री का एग्जाम्पल लेते हैं, ट्री जो होता है एक जगह ठहरा रहता है, एक जगह हमेशा कितना भी टाइम चला जाए, 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा 4 घंटा कुछ भी हो जाए, लेकिन वो अपना पोजीशन चेंज नहीं करता, तो बोल सकते हैं कि आपको क्या है रेस्ट में, ठीक है। अब इसके बाद डिस्क्रिप्शन ऑफ मोशन में देखते हैं, डिस्क्रिप्शन ऑफ मोशन में देखेंगे कोई भी जो ऑब्जेक्ट है, सपोज हमारे पास क्या है यहाँ पे ओरिजिन पॉइंट है या फिर कोई भी पॉइंट है आपका जीरो, ठीक है, यहाँ से वन, जैसे हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं कोई भी जो ऑब्जेक्ट है, ठीक है, कोई भी जो ऑब्जेक्ट है उसके इनिशियल या फिर ओरिजिन पॉइंट आपका कौन सा, ओ से सबसे पहले कहाँ पे डी है ना, यहाँ तक से अपना पोजिशन चेंज करता है, उसके बाद यहाँ से ओ से कहाँ से आपका ए तक, ठीक है, डी से कहाँ से आपका ए तक से जाता है, और वहीं से क्या होता है फिर से गो बैक या फिर रिटर्न हो जाता है। तो यहाँ पे जो टोटल लेंथ अगर निकाला जाए, यहाँ पे जो लेंथ कितना लेंथ है इसका उसको निकाला जाए, तो देखते हैं इसमें सबसे पहले यहाँ से यहाँ तक कितना गया आपका, सबसे ओ से डी गया, डी से सी बी ए मतलब ए तक गया, और ए से वापस कहाँ तक से फिर से आपका 10 तक से वापस आया, तो अगर दोनों को जोड़ा जाए, ठीक है, कहाँ से 10 तक से जोड़ा जाए, तो सपोज इसमें ओ से ए तक से कितना आपका सपोज 50 है, प्लस ए टू डी आपको कितना देखो 14 लगभग है ना, कितना आ रहा है आपका 14 आ रहा है, ठीक है, तो दोनों को हम लोग ऐड करते कितना आ रहा है लगभग 90 है ना। तो देख बोल सकते इसमें द टोटल लेंथ ऑफ द पाथ कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट है ना, द टोटल लेंथ ऑफ द पाथ कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड इट्स डिस्टेंस, ठीक है, तो बोल सकते हैं कि जितना लेंथ है ना कोई भी जो ऑब्जेक्ट है उसके द्वारा जितना लेंथ कवर किया गया, ठीक है, वो उसका क्या कहलाएगा आपका डिस्टेंस कहलाएगा, द टोटल लेंथ ऑफ द पाथ कवर्ड बाई द ऑब्जेक्ट इस कॉल्ड डिस्टेंस, मतलब अगर कोई ऑब्जेक्ट के द्वारा जितना लेंथ है ना कोई भी जो पाथ है उसका जितना लेंथ कवर करता है टोटल लेंथ है ना, तो उसे उसको क्या बोला जाता है आपका डिस्टेंस कहा जाता है। जैसे ये क्या हो सकता है आपका मीटर में भी हो सकता है और ये किलोमीटर में भी हो सकता है, जैसे शॉर्ट अमाउंट में दिख रहा है तब कौन सा मीटर में, अगर लॉन्ग अमाउंट में दिख रहा है आपके तो क्या ले सकते हैं इसमें किलोमीटर में हम इसको यूज कर सकते हैं। तो ये हो गया आपको कौन सा डिस्टेंस, डिस्टेंस में हम लोग बोल सकते हैं एक्चुअल लेंथ कवर बाई द ऑब्जेक्ट, मतलब एक्चुअल लेंथ जितना कवर कर रहा है वो उसे क्या कहलाएगा डिस्टेंस कहलाएगा। अब उसी तरीके से अगर डिस्टेंस हो गया, अब इसमें कौन सा देखते हैं, देखो डिस्प्लेसमेंट में क्या हो जाएगा शॉर्ट पार्ट ट्रेवल बाई द ऑब्जेक्ट, मतलब बहुत ही शॉर्ट पार्ट, जैसे हम लोग क्या कर रहे हैं यहाँ से यहाँ तक जा रहे हैं, सपोज ये क्या हो रहा है आपका कोई भी जो ऑब्जेक्ट यहाँ से यहाँ तक गया, फिर यहाँ से कितना 3 सेंटीमीटर और उसके बाद 8 सेंटीमीटर उसके बाद फिर से 3 सेंटीमीटर यहाँ से ए बी सी डी, तो देखो इसमें इसको बोल सकते हैं शॉर्टर पाथ ट्रेवल बाय द ऑब्जेक्ट है ना, शॉर्टर पाथ ट्रेवल बाय द ऑब्जेक्ट मतलब इसको बहुत ही शॉर्ट पाथ, देखो यहाँ से यहाँ तक जाने की जरूरत नहीं, यहाँ से सीधा ए और डी के बीच में निकालने में कितना आ रहा है आपका 8 सेंटीमीटर आया, तो ये उसका क्या आपका डिस्प्लेसमेंट है। अगर दोनों में देखा जाए डिस्प्लेसमेंट के बारे में देखा जाए तो शॉर्ट पाथ ट्रेवल बाय द ऑब्जेक्ट इट्स कॉल्ड इट्स डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, उसको बोल सकते हैं उसका डिस्प्लेसमेंट। सपोज यहाँ पे और इसमें डिस्प्लेसमेंट बोल सकते हैं कि डिफरेंट बिटवीन फाइनल पोजीशन एंड इनिशियल पोजीशन, ठीक है, अगर हमको डिस्प्लेसमेंट निकालना है तो फाइनल पोजीशन और इनिशियल पोजीशन के बीच में अगर हम डिफरेंस निकालते हैं तो उसका क्या कहलाता है आपका डिस्प्लेसमेंट कहलाता है। सपोज यहाँ से मैं क्या कर रहा हूँ कोई भी जो ऑब्जेक्ट है इनिशियल पोजीशन इसका सपोज 10 है, ठीक है, 10 से स्टार्ट यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ओ डी से स्टार्ट होकर कहाँ पे ए पे गया और ए से आगे कहाँ पे आपका 10 तक से खत्म हो जाता है मतलब स्टॉप हो जाता है, तो सपोज इसका इनिशियल पोजीशन क्या आपका सॉरी फाइनल पोजीशन क्या आपका दोनों में डिफरेंट बिटवीन फाइनल पोजीशन एंड इनिशियल पोजीशन, सपोज यहां से आपका 50 हो गया माइनस कितना आपका 40, ठीक है, 50 और 40 दोनों में अगर हम लोग डिफरेंस निकाल देते हैं, ठीक है,
डिफरेंस निकल कितना आ रहा है आपका 10, तो यही उसका क्या कहलाएगा आपका डिस्प्लेसमेंट कहलाएगा। मतलब बोल सकते हैं डिफरेंस बिटवीन फाइनल पोजीशन एंड इनिशियल पोजीशन, जो दोनों में आपका डिफरेंस है वो क्या कहलाएगा आपका डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस जो होते हैं ये टू टाइप का मतलब क्वांटिटीज में प्रेजेंट होता है, ठीक है, एक वेक्टर क्वांटिटी और आपका कौन सा आपका स्केलर क्वांटिटी, जिसके लिए क्या होता है हाँ जैसे देखो डिस्प्लेसमेंट जो होता है उसके लिए एक डायरेक्शन की आवश्यकता होती है, ठीक है, मैग्नीट्यूड जिसमें है मतलब मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों की आवश्यकता होती है, और जो डिस्टेंस जो होता है उसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड की आवश्यकता होती है ना, ये तो उसको बोलेंगे स्केलर क्वांटिटी। तो देखते हैं इसमें, जैसे कि हम लोग देख रहे थे कौन सा डिस्टेंस और आपका डिस्प्लेसमेंट के बारे में देख रहे थे, तो डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है डिफरेंस बिटवीन फाइनल पोजीशन एंड इनिशियल पोजीशन, तो फाइनल और इनिशियल पोजीशन में क्या करते थे डिफरेंस निकालते थे, तो वही क्या कहलाता था उसका डिस्प्लेसमेंट कहलाता था, ठीक है। और लेकिन देखो साथ ही साथ बोला गया है इसमें कि दो टाइप के इसमें क्वांटिटीज होते हैं, स्केलर क्वांटिटीज और आपका कौन सा वेक्टर क्वांटिटीज। जैसे आपका क्या होता है आपका डिस्टेंस जो होता है इसके लिए क्या चाहिए आपका एक न्यूमेरिकल वैल्यू की आवश्यकता होती है, जिसको क्या बोला जाता है आपका मैग्नीट्यूड बोला जाता है, ठीक है, इसमें मैग्नीट्यूड प्रेजेंट होता है, क्या चीज मैग्नीट्यूड प्रेजेंट होता है, और साथ ही साथ इसमें क्या होता है डायरेक्शन की आवश्यकता नहीं होती। लेकिन जैसे देखो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है आपका डिस्प्लेसमेंट जो होता है इसमें न्यूमेरिकल वैल्यू अर्थात क्या आपका मैग्नीट्यूड की आवश्यकता होती है, इसमें मैग्नीट्यूड और साथ ही साथ आपका कौन सा डायरेक्शन की आवश्यकता होती है, ठीक है, इसको बोलेंगे वेक्टर क्वांटिटी, और इसमें स्केलर क्वांटिटी में बोलेंगे इसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड है ना, मैग्नीट्यूड या फिर न्यूमेरिकल वैल्यू की आवश्यकता होती है वो आपका क्या कहलाता है स्केलर क्वांटिटी कहलाता है। स्केलर क्वांटिटी के अंतर्गत क्या क्या जाए आपका डिस्टेंस है ना, डिस्टेंस, टाइम और आपका कौन सा स्पीड, ठीक है, ये सब क्या आएंगे स्केलर क्वांटिटी के अंतर्गत आ जाएंगे, ठीक है मैग्नीट्यूड, टाइम और स्पीड और डिस्टेंस है ना, ये सब क्या होते हैं स्केलर क्वांटिटी के अंतर्गत आते हैं। और वेक्टर क्वांटिटी के अंतर्गत आपका जैसे कि आपका डिस्प्लेसमेंट हो गया है ना, वेलोसिटी मोमेंटम हो गया आपका फोर्स एटसेट्रा, ठीक है, ये सब क्या होते हैं वेक्टर क्वांटिटीज के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से बता सकते हैं कि आपका जो डिस्प्लेसमेंट जो होता है, ठीक है, कौन सा आपका इसमें डिस्टेंस एक्चुअल लेंथ कवर बाय द ऑब्जेक्ट, और आपका कौन सा डिस्प्लेसमेंट होगा डिफरेंस बिटवीन फाइनल पोजिशन एंड इनिशियल पोजिशन ऑब्जेक्ट, या फिर इसी को लिख सकते हैं या बोल सकते हैं इसको शॉर्टर पाथ ट्रेवल बाई द पार्टिकल। मतलब देख सकते हैं उसमें एक ऐसे बोला गया, इसमें कैसा हम लोग एग्जाम्पल देते हैं, इसमें जो अगर कोई व्यक्ति क्या करता है आपका यहाँ से यहाँ तक क्या करता है डिस्टेंस कवर कर रहा है, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक ऐसे डिस्टेंस कवर कर रहा है, और क्या बोलते हैं इसमें से अगर डिस्टेंस निकालना है तो इसमें टोटल एक्चुअल लेंथ कवर बाय द ऑब्जेक्ट, तो यहाँ से कितना ऑब्जेक्ट जो है कितना यहाँ से डिस्टेंस कवर कर रहा है, सपोज हम लोग ऐसे देख सकते हैं कैसे, मतलब देखो यहाँ से बोला गया है कोई भी जो ऑब्जेक्ट है आपका कौन सा ये सपोज ईस्ट है, ठीक है, ईस्ट है आपका, नॉर्थ है, कौन सा नॉर्थ है और आपका कौन सा है आपका वेस्ट, ठीक है, ईस्ट नॉर्थ और वेस्ट है, ठीक है, इसमें से अगर कोई ऑब्जेक्ट क्या करे टोटल डिस्टेंस कवर कर रहा है सपोज है ना, अगर टोटल डिस्टेंस निकालना है इसमें या फिर एक्चुअल लेंथ कवर बाय द ऑब्जेक्ट मतलब डिस्टेंस निकालना है, तो इसमें क्या करेंगे हम लोग सभी को ऐड कर देंगे, सपोज 3 + 8 + 3 कितना हो गया लगभग 14 मीटर हो गया। लेकिन इसमें अगर डिस्प्लेसमेंट निकाला जाए, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट निकाला जाए मतलब इसमें किसी भी तरीके से डायरेक्शन की आवश्यकता इसमें नहीं पड़े, लेकिन अगर हम डिस्प्लेसमेंट निकालते हैं तो मैग्नीट्यूड के साथ साथ हमको क्या चाहिए आपका डायरेक्शन की आवश्यकता इसमें पड़ती है, ठीक है। तो अगर हम इसमें डायरेक्शन के बेस में निकाल रहे हैं क्योंकि बिल्कुल इससे इस दिशा में जा रहा है मतलब इस डायरेक्शन से ये डायरेक्शन सबसे पहले ईस्ट गया, ईस्ट से नॉर्थ, ठीक है, नॉर्थ से फिर किस तरह वेस्ट जा रहा है, ठीक है। तो अगर डिफरेंस बिटवीन फाइनल पोजिशन एंड इनिशियल पोजिशन, ठीक है, तो इसमें से देखा जाए तो नॉर्थ और इसके बीच का डिस्टेंस को निकाला जाए तो कितना आ रहा है आपका 8 आ रहा है, ठीक है, तो ये कितना आ गया लगभग इसमें मैग्नीट्यूड ऑफ
डिस्प्लेसमेंट है ना, मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट क्या रहेगा आपका, ए टू डी, ए डी है ना, ए डी इक्वल टू कितना आएगा आपका 8 मीटर, ठीक है, क्या रहेगा इसमें 8 मीटर आ जाएगा इसमें, ठीक है, तो इसमें क्या आ जाएगा आपका 8 मीटर इसमें आ जाएगा, ठीक है, इस तरीके से। तो मतलब देख सकते हैं इसमें जो डिस्टेंस जो होता है इसमें किसी तरीके के डायरेक्शन की आवश्यकता नहीं पड़ती, लेकिन जब इसमें सिर्फ वो मैग्नीट्यूड की आवश्यकता पड़ती है, ठीक है, और इसमें जो रहता है आपका कौन सा डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट जो होता है आपका मैग्नीट्यूड के साथ साथ क्या रहता है आपका डायरेक्शन की आवश्यकता इसमें पड़ती है, अगर डायरेक्शन नहीं है तो आप इसको डिस्प्लेसमेंट को नहीं निकाल पाएंगे, ठीक है। अगर कोई व्यक्ति सिर्फ ऐसे जा रहा है, ठीक है, यहाँ से गया और यहाँ से आया और इसी दिशा में आ गया, सपोज यहाँ से ए टू बी गया, ठीक है, यहाँ से ए टू बी का डिस्टेंस कितना लगभग 10 मीटर, ठीक है, 10 मीटर है, ए टू बी का डिस्टेंस कितना 10 मीटर है। अब एक की तरफ से ऐसे गया और एक की तरफ से ऐसे वापस आ गया, ठीक है, तो दोनों को अगर निकाला जाता, हमको पता है डिफरेंस बिटवीन फाइनल पोजीशन एंड इनिशियल पोजीशन, तो ये क्या हो जाएगा, फाइनल पोजीशन कितना आपका 10 है और इनिशियल पोजीशन क्या आपका 10 है, मतलब देखो ये क्या हो जाएगा आपका डिस्प्लेसमेंट 0, क्यों, क्योंकि इसी दिशा में गया था और इसी दिशा में वापस आ गया, ठीक है, तो क्या होगा इसमें, ये आपका डिस्प्लेसमेंट क्या रहेगा आपका 0 रहेगा, ठीक है। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और अंत में बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि जब भी हम लोग नया वीडियो डालें तो आप तक से पहुंच जाए, ठीक है। और अगला पार्ट हम लोग डिस्कस करेंगे पार्ट 2 में, ठीक है, जितने भी है इसमें बचा है उसको हम लोग स्पीड है, वेलोसिटी है ना, ये सब के बारे में हम लोग अगले पार्ट में डिस्कस करेंगे। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।